लोकी सीजन 2 का ट्रेलर लीक हो चुका है और अब तक तो आप सबने देख ही लिया होगा क्योंकि मार्वल ने इस पे बहुत ही देर से एक्शन लिया। और अब इसके लीक टीजर ट्रेलर देखने के बाद मैं तो ये बात कह सकता हूँ कि आई फकिंग लव्ड इट। मैं ईमानदारी से बोलूं तो भाई मैं शुरू में लेकर इसको बहुत ही ज्यादा स्केप्टिकल था कि भाई सेक्स एजुकेशन के वन ऑफ द राइटर को इन्होंने चेंज कर दिया है तो कैसे ये हैंडल करेंगे, क्या वो इसका इमोशनल कनेक्शन फिर से वो मिल पाएगा इसमें। लेकिन टीजर देखने के बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया कि इट्स मोर देन दैट, कि कहानी प्यार मोहब्बत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि इसके ऊपर ऊपर की आउटलाइन ये है कि कैंग के अनलीश होने के बाद, सिल्वे के भाग जाने के बाद और टीवीए के सब कुछ भूल जाने के बाद लोकी दादा अपने दर्द में है, कि मतलब जो एक्चुअल पेन है कि भाई खुद से प्यार किया और खुद से ही कटवा लिया, जो कि अब इसकी जिंदगी में लिटरली कुछ बचा नहीं है। हर जगह से भाग पराके तो यहाँ पे आया है, इन्फिनिटी स्टोन से ऊपर की पावर को जान चुका है तो वापस ये नीचे क्यों ही जाएगा। तो उसकी पूरी जिंदगी इस रायते को फैलाया हुआ है उसके समेटने में ही समर्पित हो जाएगी, जहाँ वो मोबियस टीवीए और अपने औकात अनुसार लोगों को टीवीए का असली सच बताने की कोशिश कर रहा है, मगर फिर भी कोई लोकी पे भरोसा क्यों ही करेगा। जो कि इट ऑल्सो फील्स लाइक कि कहानी बैक टू स्क्वायर वन पे नहीं ना आ गई, जहाँ पे इसे खुद को शुरू से साबित करना होगा, लेकिन अब उसके पास बहुत ही भारी मोटिवेशन है, सब की फाड़ देगा। मगर साथ ही साथ लोकी अपने डीमंस के साथ भी लड़ रहा है, कुछ बहुत ही गलत हुआ है उसके साथ, उसकी एग्जिस्टेंस के साथ, कि भाई वो नो टाइम जोन में रहने के बावजूद भी ग्लिच मार रहा है। जैसे गेमिंग में पिंग नहीं होता है ज्यादा तो चीजें लैग होने लगती है, ठीक वैसा ही हो रहा है। और लोकी ये बात एड्रेस भी करता है कि वो थ्रू टाइम में पुल होता फील कर रहा है, जहाँ उसने बहुत ही भयानक और बदसूरत चीजें देखी है। तो प्रॉब्ली हमें एक पूरा मल्टीवर्सल जंप देखने को मिल सकता है, ठीक जैसा अपन को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला था, लेकिन एज अ सीरीज के फॉर्म में होने के नाते हमें उन यूनिवर्सेस में प्रॉबेबली थोड़ा सा टाइम देखने को मिल सकता है। जो कि इसके आगे हमें वीमन वैंग भी देखने को मिलते हैं, जो कि एक्चुअली में रिसो ब्रदर्स की तरफ से प्रोड्यूस की गई एक इंडिपेंडेंट मल्टीवर्सल मूवी थी, और भाई मैं बता रहा हूं वो अब तक की सबसे बेस्ट मल्टीवर्स मूवी थी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इवन दो मल्टीवर्स से भी ज्यादा वो अच्छी थी। तुम्हें उसमें वीमन भैया को देखकर प्यार हो जाएगा, क्या परफॉर्मेंस मारी उन्होंने लोकी सीजन 2 में, इन्हें एज अ टीवी एम्प्लॉय को देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। हमें सिल्वी भी ऑन द रन देखने को नजर आती है, यूजीन, रोवोना एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट भी वापस आई है, लेकिन उनके चेहरे पे किसी नए तरीके का टेरर है। जो कि इसके ऊपर से इसमें प्रॉपर एक्शन सीक्वेंसेस है, जो भी इसमें जिसमें जो मैं जो भी तीन चार लुक देखने को मिलते हैं काफी ओपी फील देता है, जैसा कि जैकी चैन और जॉन विक की कहानियों में नहीं होता है कि फ्रेमिंग पूरी फुल होती है तो मैं सब चीज देखने को मिलती है, वैसा मेरे को फील हुआ है। अब जो कि भाई ये लोकी सीरीज है तो मैं और भी लोकीज तो देखने को मिलने ही वाले हैं, लेकिन एक सीन ऐसा है जहां पे इस सेम अटायर में दो लोकीज देखने को मिलते हैं, तो इट फील्स लाइक कोई स्प्लिट वाला कुछ लफड़ा होने वाला है, जो कि अगर जिन लोगों ने रिक एंड मॉर्टी देखा है वो इस बात को अच्छे समझ पाएंगे, या फिर व्हाट इफ सीरीज का वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला जो एपिसोड था जहां पे एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था सेम रियलिटी में, तो ठीक ऐसा कुछ हो सकता है स्ट्रॉन्गली, जो वो ग्लिच फील कर रहा है एक्चुअली में वो उसे डिवाइड करती जा रही है। एंड गुरु ट्रेलर के एंड होते होते हमें टीवीए के अंदर का भी लुक देखने को मिलता है, मोबियस बज लाइटर वाले सूट में नजर आता है और मार हो रही है टीवीए के अंदर, मतलब कि भाई लोकी गिर रहा है, जो कि टीवीए का वो फैसिनेशन था ना कि भाई एक्चुअल में अंदर से कैसा लगता है वो हमें देखने को मिलेगा। एंड एज ऑलवेज एमसीयू के ट्रेलर्स की जैसी आदत है, ट्रेलर एक जोक के साथ खत्म होता है, मोबियस पूछता है कि तुमको यहाँ पे किसने भेजा है, तो लोकी पूरे एवेंजर्स, थानोस, मोबियस, टीवीए सबके नाम गिनाने लगता है। अब आई डोंट नो ये फनी था, सरकैज़म था या ईस्टर एग्स, वो तो भाई देखने वालों की आंखों पे डिपेंड करता है, लेकिन लोकी के साथ मैं इतना काम चला लूंगा। अब गुरु इस ट्रेलर का मैं फील बताऊं तो इसका पूरा एक्सपीरियंस देख के मेरे को बहुत मजा आया, वो हॉरर मिस्ट्री सुपरनैचुरल फैंटेसी वाली जो फील है ये इसे सुपर हीरो कहानी नहीं बनाती है, ये लिटरली एंड गेम की कहानी के बाद की भाई इज्जत करता है, मतलब कि ये है दी नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट लेवल का माल, ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट फील होता है कि जिसमें मजा आ रही है, कुछ नया है और देखने के लिए जरूरी भी समझ में आता है यहाँ भाई एक्चुअल में इसका कुछ महत्व होने वाला है मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स में। अब ऑनेस्टली बोलूं तो भाई मैं इस ट्रेलर का टोन को देखकर फिदा हो चुका हूं, जो एक डर का माहौल से ये शुरू करते हैं, फिर एडवेंचर, फिर मल्टीवर्स को बचाने का मूड, वो काबिले तारीफ है। खैर अभी तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी सिर्फ शुरू हुआ है तो एंजॉय ही करते हैं, अभी बहुत टाइम है ऐसे आने को, और 2023 की गर्मियों में आएगा तो तब तक एंटमैन 3 उरी भी सब खत्म हो चुकी होगी, एंड तब समझ में आएगा कि कैंग का एक्चुअल में दबदबा कैसा है। तो गुरु मेरे को तो इसमें बहुत ही मजा आया, लीक है तो लीक है मगर फिर भी मूड बना देता है, और ऊपर से ये बात तो तुम समझ ही सकते हो कि मैं इनके फुटेजेस क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि भाई इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे उन्होंने मेरी वीडियो ब्लॉक कर दी थी इसकी वजह से, तो मतलब बात समझ ही सकते हो। मगर हियर इज माय ओपिनियन आफ्टर वॉचिंग द बैड एस टीजर, तुम बताओ कि तुम्हें देखने के बाद ये कैसा लगा और तुम इससे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, क्योंकि भाई डिज्नी प्लस की हिस्ट्री में लोकी से अच्छा कोई भी सीरीज अभी तक नहीं आया है। खैर तुम इसके लिए एक्साइटेड हो, कमेंट्स मुझे अपने ओपिनियंस में जरूर बताना, और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने शील्ड के एपिसोड के ऊपर भी बात की है, जिसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।